भारत और नेपाल दोनों देशों के बीच सदियों पुराना धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और सामाजिक रिश्ते हैं। ऐसे ही दोनों देशों के बीच सैनिक रिश्ते भी बहुत गहरे हैं। 200 सालों से ज्यादा गोरखा जवान भारतीय सेनाओं और दूसरे सुरक्षा बलों में शामिल होते रहे हैं, और ये जाहिर है कि चीन को इन संबंधों से परेशानी है। चीन नेपाल पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है ताकि उसकी पहुंच सीधे भारतीय सीमा तक पहुंच सके। 2 साल पहले जब नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी तो चीन को थोड़ी कामयाबी भी मिली थी। चीन ने उस समय नेपाल में भारतीय नागरिकों और भारतीय कंपनियों के कामकाज में हर तरह का अड़ंगा लगाया, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार जाने के बाद हालात फिर पहले जैसे हो गए। हाल ही में भारतीय सेना की भर्ती में अग्निपथ योजना को लेकर नेपाल में प्रदर्शन हुआ। समझा जाता है कि ये प्रदर्शन भी चीन के इशारे पर वहां की कम्युनिस्ट पार्टियों ने किए थे, लेकिन अब भारत और नेपाल के रिश्ते फिर पहले जैसे हो गए हैं। इस समय जब लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सैनिक आमने सामने हैं, उसी समय भारतीय सैनिक नेपाल में गोरखा सैनिकों के साथ सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। जैसे उंगली से नाखून अलग नहीं होता, वैसे नेपाल भी कभी भारत से अलग नहीं होगा। ये बात चीन को समझ लेनी चाहिए।